ये इसका मायने ये है कि फ्रांस एक श्रेष्ठ टीम है, एक अच्छी टीम है, जिसने हमको इसी टूर्नामेंट में 2 बार हराया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। 2001 and 2016 champions India finished fourth at the Junior Hockey World Cup after losing 1-3 to France in the bronze medal contest at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar. French skipper Timothy Clement, who deservedly won the player of the match, scored another hat-trick against the hosts India to lead France to a podium finish. Former Indian veteran player and son of legendary Major Dhyan Chand, Ashok Kumar says it can't be digested that we lost to France twice in the Junior Hockey World Cup 2021. बिल्कुल बिल्कुल, इसके इसके अंदर सिर्फ 3-4 चीजें जो एज ए प्लेयर मैंने असेस करी है, मैंने उनको जानने की कोशिश की है, वो ये है हमारी टीम को तैयार करने के तरीके क्या हैं। इसका 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 अनुमान हम किसी को नहीं हो पाता है कि टीम जब हम सेलेक्ट करते थे उसके क्या क्या तरीके हैं, हम किस आधार पे करते हैं, थोड़ा सा उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट और जरा उनके बारे में ब्यौरा चलता रहे, खिलाड़ियों के बारे में कुछ बातें होती रहे, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के मनोवैज्ञानिक की उनका उनका सिलेक्शन भारतीय टीम की जूनियर टीम में खेलने के लिए हुआ तो बेहतर होगा। दूसरा एक जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ये बड़ा खास है, इसके लिए आपकी कोई कोचिंग काम नहीं करती है, खिलाड़ी का खुद का उसका एक क्वालिटी होती है साइकोलॉजिकल चीजों को समझने की, जो 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 एक खिलाड़ी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एक हर खिलाड़ी को जानने की जरूरत है। तकनीकी पहलू, टेक्निकल जितनी भी चीजें हमको बताई जाती है, एक तो होता है बॉल रोकना, फेंकना, भागना, दौड़ना, इसके अलावा जो चीज होती है जो खिलाड़ी जिससे एक अच्छे खिलाड़ियों की गिनती में शामिल होता है उसको आना बहुत जरूरी होता है, तकनीकी पहलू है वो, और वो कई बार बिना खेले बिना बॉल को टच किए होता है, और ये सब चीजें डायरेक्ट टचिंग नहीं है, ये इनडायरेक्ट खेल है जिसको खिलाड़ी खेलता है, जिसको हम खेला करते थे, और किस तरह खेला करते थे खिलाड़ी अपने 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 खेल में से बनाकर निकाल सकता है। हमारी स्पार्किंग पावर सडन जो हमारी स्पीड का एक्सेलरेट होना बढ़ना और उस पर पूरे कंट्रोल के साथ हमको अपोनेंट के अंदर जाना और गोल के तरीके और ढंग ढूंढना या खिलाड़ी साथी को पास देना, ये चीज तो आज की हॉकी में अगर इसके बिना खिलाड़ी है तो नहीं है तो वो खेल नहीं सकता, और इसको खेलने के लिए खिलाड़ी का निपुण होना, आगे बढ़ना और उन चीजों को समझना। एक तो मैंने कहा ना कोचिंग है डायरेक्ट, बॉल बॉल रोका आपने, बॉल फेंक दिया, दौड़ लगाई, बॉल हिट मार दी, पास कर दिया, ये है। कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, ये 3-4 चीजें मैंने बताई थी जिसकी वजह से जो हमारी कमी इस टीम में मुझे देखने को मिली, जिसकी वजह से फ्रांस से हम 2 बार हारे हैं। ये इसका मायने ये है कि फ्रांस एक श्रेष्ठ टीम है, एक अच्छी टीम है, जिसने हमको इसी टूर्नामेंट में 2 बार हराया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक बार आप हार सकते हैं, दूसरी बार तैयारी भी करेंगे, क्योंकि ग्राहम रीड ने कहा है जब हम थर्ड पोजिशन के लिए खेलने जा रहे हैं तो हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे खिलाड़ियों के हमने कहा करने को कहा है कि वो स्ट्राइकिंग पावर बढ़ाए, डिफेंसिंग हमारे जो डिफेंस है उस पर हम ज्यादा जोर दें, हमारे खेल के अच्छे तरीके के ऊपर जोर दें, तो ये सब चीजें होते हुए हमारी टीम फ्रांस से फिर दोबारा हारी है, जिसका कि मुझे अफसोस। और जैसा कि हम सब जानते हैं और मैं भी इस बात को हमेशा से मान के चला हूं कि भारत की टीम चाहे वो सीनियर हो या जूनियर, हम जब भी हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो सबकी आंखें, पूरे देश की आंखें हमारे हॉकी टीम के ऊपर लगती है, हमारे कैमरों पे लगती है, हमारे टीवी पे लगती है कि हमको मैचेस देखने को मिलेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि भारतीय खेल हॉकी जो एक परंपरागत खेल है भारत का, उसके अंदर हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और उसके अनुरूप खेलते हुए भारत की टीम को मैचों में जीत दिलाएगी, और वो उम्मीद हमारी बरकरार चली आ रही बरसों से। भले ही हमने बीच में जो अंतराल रहा है सीनियर हॉकी का, जूनियर हॉकी का तो मैं कहूंगा कि जरूर हमने कर जीते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी पहचान बनी है, हमारे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आए हैं, और इस बार भी यही जूनियर टीम से थी। जैसा कि मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपनी भावनाएं मैंने व्यक्त की थी, हमारी टीम को
पोडियम पर खड़ा होना है नंबर वन के लिए। बहरहाल वो चीज एक नहीं हो पाई, जिसका दुख बेहद दुख मुझे है। अब मैं फ्रांस की टीम, मैं तो कहूंगा कि वो एक पावर के रूप में उभर रही है। उनका जो बंच, ये खिलाड़ियों का जो बंच निकला है, ये इसको आप कम ना समझिए। आने वाले वक्त में पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कुछ करने जा रहा है, इसको मान के चले। फ्रांस एक बहुत पुरानी टीम है, बहुत सालों से खेल रही है, 1936 से खेल रही है टीम। तो 36 से खेलते हुए आज इतना अर्सा हो गया इसको, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहुंचेगी। जापान जैसी थी एशियाड के अंदर, उसने अपना वर्चस्व काम किया एशियाड के अंदर। तो ये सब टीमें ऐसी हैं जो बरसों से खेल रही हैं। फ्रांस का खेलना अब जाके मुझे लगा कि वो, मैंने कहा ना, दो बार जब हराया है भारत को, इसका मतलब उसने भारत के ऊपर विजय हासिल करी है। ये खाली ऐसे नहीं गोल हो गए एट रैंडम, उसने विजय हासिल करी खेल कर करी। जर्मन के साथ जो हमारा मैच जो मैंने रीड किया है, वो तो हमारी टीम कहीं भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। सही बात तो ये है, आज एक एवरेज हॉकी खेलना जो हर टीम खेलती है, जो जो ट्रेनिंग में है, जिसके अच्छे कोचेस हैं, एक एवरेज खेल खेलती है। लेकिन एक टीम उस एवरेज से ऊपर जो खेलती है एट पार, वो टीम बेहतर कहलाई जाती है। पुराने जमाने में हमारे जमाने में हर खिलाड़ी का आकलन हो जाता था, असेसमेंट हो जाता था, इस टीम के अंदर कितने दो लड़के अच्छे हैं, दो खिलाड़ी अच्छे हैं, तीन लड़के खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन एस्ट्रोटर्फ के ऊपर करीब 11.5 खिलाड़ियों का सही खेलना, अच्छा खेलना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर दो तीन प्लेयर हमारे बड़े सुपर पावर वाले होते हैं, अच्छे होते हैं और होने चाहिए, हर टीम में है। हम हर वक्त वही देखते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाकर बॉल को लेकर और उसको स्ट्राइकिंग पॉइंट में लाकर या तो पास दे देते हैं या फिर वो गोल करते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी हमें हमें अपने इस टीम के अंदर अभी बनाने की जरूरत है। अब देवशीष, ये देखिए, जब टीम हारती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले। ये 11 का खेल है, एक का खेल नहीं, एक या दो गोल जरूर करते हैं। तो मैं किसी का नाम लेने पर ये होता है कि कोई खास उसका वजह मैं नहीं ढूंढ पाया या मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किसका नाम लूं। जैसा मैंने आपसे कहा, एक एवरेज गेम है, एवरेज गेम हर कोई अच्छा खेल रहा है, उस लाइन तक अच्छा खेल रहा है, बट उसके ऊपर जो उठकर खेल वाला खिलाड़ी है तो वो तो बिरले होते हैं, हर टीम में हमको मिलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो, चाहे वो भारत, पिछली भारत की टीम आप देख लीजिए, उसके अंदर हमारे कुछ खिलाड़ी बहुत ही अच्छा उभर कर सामने आए, तो वो खिलाड़ी अपने आप पता लग जाते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छे। तो हमको अभी वो जगह इस जूनियर टीम में खोजने की जरूरत है, उनको ऐसा मानसिक मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग और एक टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसा मैंने कहा, बिना बॉल के खेलना, कि आप बॉल के पास बॉल नहीं है लेकिन आप खेल रहे हैं, और वो खेल ऐसा है कि उस वक्त जिस वक्त आपको बॉल मिले तो आप जो है उस पर कुछ ना कुछ कार्य करके जाए जो टीम की बेहतरी के लिए हो। वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो कोच इसके लाइन की बात है, और कोच इसको ये बात समझना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जो है, जो भी खिलाड़ी खेलने वाला है, वो इन बातों को समझता है कि किस कौन सी बॉल अच्छी है दी गई है, कौन सी बॉल अच्छी नहीं दी गई है। हर बॉल को पास करना अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा पास जो हमारी टीम के बेहतर के लिए, जो गोल करने की पोजीशन में खड़े हों उस वक्त जो पास दिया जाता है, उस पास की वैल्यू होती है। डायगनल पास डिफेंस के पासेस अच्छे होते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बॉल को हम इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन जब स्ट्राइकिंग सर्कल के अपोनेंट के अंदर जाके हम कुछ काम करते हैं, और फॉरवर्ड लाइन खासतौर से, वो फॉरवर्ड लाइन, तो उसके फिर वो उस खेल का महत्व और खिलाड़ी का महत्व और टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो मुझे लगा कि उस भाई, हर देखिए हर चीज का, अब जैसे हम कहें कि बेल्जियम से हमारा मैच एक गोल से हम खाली जीते हैं, तो जीत तो खैर सबसे बड़ी ही होती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं तो उसके सामने सारी तकनीक, सारी ट्रेनिंग जो हमने करी हुई है, सब फेल समझता हूं। अगर हम जीत गए एक गोल से तो मैं मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो इसी तरह पिछले टूर्नामेंट में हमारी जो टीम थी वो संतुलित टीम थी, एक अच्छी टीम के रूप में उभर कर चली है, और इसमें कोई दोराय नहीं मुझे कहने में कि वो टीम इस टीम से बेहतर थी। इसमें दो चीजें हैं, देखिए उस टाइम वो टीम का पार्ट था, अब इस वक्त कप्तान के रूप में टीम इसका पार्ट है। मतलब उस टाइम ये उस कप्तान या उस
एक्सपीरियंस टीम का एक पार्ट था, हिस्सा था, जिसमें इसने बखूबी अपना वो रोल अदा किया। बड़े अच्छे तरीके से ओलंपिक के अंदर इसने अपने खेल को निखारा, निभारा, हम सबको दिखाया। इस टूर्नामेंट में, जूनियर टूर्नामेंट में ये कैप्टन था, और ये खुद पार्ट तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हिस्सेदार राइट और लेफ्ट फॉरवर्ड लाइन और डिफेंस और मिड डिफेंस, मिड डीप डिफेंस, ये सब इसके पार्ट थे। तो इसका खेल जहां तक, अब मैं कनाडा की टीम की बात करूं, 13 गोल जहां पर लगे हों तो अच्छे, सब अच्छा खेले उसके अंदर, बड़े अच्छे मूव बनाए, पीछे से लेके गोल तक जाके पास देना, गोल करवा देना, बहुत अच्छी बात। ये सब चीजें खूबियां हमें उन टीमों के खिलाफ अप्लाई करने की जरूरत है जो जो मजबूत है, जो मजबूती से खेल रही है, जिनको हॉकी अच्छी खेलनी आती है या जिनके पास कुछ अच्छे प्लेयर है, क्योंकि हर 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हर टीम में चेंजेस आते हैं, कुछ 2-3 खिलाड़ी इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी चलती रहे, और ये अपना विवेक सागर, ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैंने हमेशा से इसकी तारीफ इसलिए नहीं करी है कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने का मुझे अवसर मिला, लेकिन जो इसके अंदर खूबियां है वो वाकई में दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। ये अच्छा एंटिसिपेशन इसका अच्छा है, इसकी टैकलिंग अच्छी है, और इसके स्टैपिंग बॉल के साथ बहुत ही अच्छे हैं, बॉल के साथ स्टैपिंग बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिला के इसका हॉकी कंट्रोल हॉकी है, समझदार, किस वक्त बॉल को पास करना ये जानता है, किस वक्त, एक कहते हैं ना क्रिकेट में हम बात सुनते हैं बड़ा टाइमिंग शॉट मारा, तो इसी तरह हॉकी के अंदर हमारी जो वो टाइमिंग पास जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा था तकनीकी पक्ष में और मनोवैज्ञानिक पक्ष में, कि वो जो टाइमिंग अगर हमारी समझ में आ जाए कि जरा से आधे 6 इंच के अंतर के हॉकी और ग्राउंड के अंतर से बॉल निकल जाए और खिलाड़ी निकाल दे अपने खिलाड़ी को, तो वो है असली खिलाड़ी। और ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ऐसे कारनामे करते हैं, और ये विवेक सागर एक अच्छा हमारा एक हमको अच्छा बच्चा मिला है जो आने वाले सालों में भारत देशीय हॉकी की सेवा करेगा।